हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए एनटीए का या फैशन का या क्लोथिंग का या सिविल का या इंटीरियर का कोई टॉपिक नहीं लेके आए। आज हम बिल्कुल फ्रीली टॉक करेंगे कि आपका क्वारंटाइन का ये जो टाइम चल रहा है ये कैसा चल रहा है। जैसा कि एक वीडियो में हमने बात की थी कि हम आपको ये दिखाएंगे कि घर में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो आज मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपने घर में अपनी मदर के साथ किस तरह से अलग अलग तरह की सब्जियाँ उगाई है और उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। सो आइए देखिए, जिस तरह से ये आपको दिख रहा है, ये पेड़ है, ये जितने भी हमारे छोटे छोटे पौधे हैं ये बैंगन के हैं। इसमें अभी आपको बैंगन आई गेस नहीं मिलेगा क्योंकि कल ही हमने दो तोड़े हैं और उनको बनाया है एंड वो सच में बहुत अच्छे बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए, ये तो हम आपको दिखा सकते हैं, हमने मिर्चें उगाई है, हरी मिर्चें, और ये एक नहीं लाइक दिन में 30-30 मिर्चें भी हमने बहुत सारे पौधे ऐसे लगाए हैं जिनमें से रोज़ की 30 मिर्चें भी हमें मिलती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक आउटपुट रही है क्योंकि बाहर की हमें कोई चीज़ नहीं और हम इसमें हमने फर्टिलाइज़र्स भी कोई ऐसे नहीं इस्तेमाल किए। अब हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर मैं आपको भी दिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत भिंडी को। ये देखिए, ये बहुत छोटी सी है लेकिन हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की, ये देखिए 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 देखिए, ये रही भिंडी। तो हमारी जो भिंडी भी अब बनती है वो भी हमारे अपने ही छत पे से ही बनती है। ये हमने अनार का पौधा लगाया है और आप देख सकते हैं कि अभी इसका साइज़ बहुत छोटा है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम की नीड है। आज का मौसम बहुत अच्छा है और बहुत, यकीन मानिए, कल रात से बिल्कुल लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी बिल्कुल डाउन है। ये नींबू है और ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका है, होप सो कुछ महीनों में ये भी हमें फ्रूट देना स्टार्ट कर दे। गेंदे के ऊपर गेंदे लगते हैं, फिलहाल अभी नहीं आपको देखने को मिल रहे। अलग अलग तरह के गुड़हेल के, अनार के, फिर दोबारा से कड़ी पत्ता, खाने के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कड़ी पत्ता, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट आपको खाने की चीज़ें ही यहाँ पर दिखेगी। साथ के साथ फ्लावर्स, ये आपके हिबिस्कस के फ्लावर्स होते हैं जिसको गुड़हेल के पौधे भी बोलते हैं, और ये हर्बल वे से भी बहुत ज़्यादा अच्छे पौधे बन जाते हैं क्योंकि इनको काफ़ी सारी हम बीमारियों में भी इसको यूज़ करते हैं। ये अगेन गेंदे का आ गया, ये सदाबहार का है, और ये हमारी ताज़ा ताज़ा हरी मिर्चें फिर दोबारा से आप लोगों के लिए। तो देखिए हमने कितनी सारी हरी मिर्चें, और ये देखिए आपको छोटी छोटी सी भिंडी भी दिखाएंगे हम यहाँ पर, ये अभी ग्रो करना स्टार्ट कर रही हैं बट कुछ एक दिन में ही, ये नेक्स्ट वीक के अंदर हमें ये अच्छे से मिलेगी। ये हमारा दोबारा से यहाँ पर बहुत तेज स्टॉर्म हवा चल रही है, जैसे कि आपको पता है कि आज बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, और हमने बहुत सारा एलोवेरा लगाया है। ये धूप की वजह से इस तरह से लग रहा है, ये एक टाइम पे बहुत ग्रीन हुआ करता था। ये हमारा एक कैसे बोले, डेकोरेटिव प्लांट है, डेकोरेशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे अच्छी हमारी पेशकश है, हमने यहाँ पर लोटस ग्रो करने की ट्राई की है। इतनी ज़्यादा धूप की वजह से ये थोड़े से साइडों से जो पौधे हैं ये थोड़े से जल गए हैं, बट यकीन मानिए इसके पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं। अभी तक फूलने लगा है लेकिन स्टिल बहुत अच्छे हैं, ये रोज़ लगेगा इस पर। नेक्स्ट हमारे सदाबहार के, हमारे रिपीटेटिव ही है, और ये हमने तुलसी लगाई है वो भी अच्छी हो रही है, ये अभी कुछ पिछले ही हफ्ते हमने यहाँ पर लगाई है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है उसकी। और ये देखिए हमारा जाइंट एलोवेरा, तो ये एक बहुत बड़े हमारे आयरन के टब में एलोवेरा है। आयरन के टब में इसलिए क्योंकि ये हमें वास्ट अमाउंट में चाहिए होता है, सुबह का जो हमारा जूस होता है वो इस एलोवेरा से ही एक्सट्रैक्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अच्छी सी शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये बहुत सारी लगी हुई है, ये देखिए, ये छोटी छोटी हैं बट ये थोड़े थोड़े दिनों में थोड़ी थोड़ी ग्रो हो जाती हैं और उसको हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी कैसे है, बिना हमने कोई भी एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ करके, सारी इसके अंदर जो हमारी खाद जाती है वो भी हम, चाय पत्ती होती है वो डालते हैं, बनाना जो हम खाते हैं उसके जो छिलक होते हैं हम उसके पील्स को डालते हैं, और इस तरह से हम अपने जो हमारा क्वारंटाइन का सेशन था उसको ईजी और अच्छा और मोटिवेटिंग गार्डनिंग में हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। होपफुली आप लोगों ने भी कुछ अच्छा करके ही अपना इस टाइम को व्यतीत किया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।